हेलो गाइज, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल सिटेक फर्नीचर। सो गाइज, आज फिर से लाया आपके लिए एक नया वीडियो, और ये वीडियो है एज बिडिंग कैसे प्रेस की जाती है डोर में, या और भी कैबिनेट बनते हैं उसमें एज बिडिंग मशीन से कैसे प्रेस की जाती है उसके बारे में आपको बताएंगे। बहुत ही बेहतरीन नॉलेज है, और आप कहीं में जाइए, हमारे वीडियो बने रहिए, कंटिन्यू वॉच कीजिए, और इसमें बताएंगे आपको मशीन को चलाने का तरीका क्या है और कैसे उसे यूज करते हैं, कितना हीटिंग उसके लिए ज़रूरी है। और ये बिल्कुल बेसिक नॉलेज है, और अगर आप कहेंगे तो मैं इस पे दोबारा वीडियो बनाऊंगा ज़रूर, तो आप कंटिन्यू वॉच कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल बनाए हैं तो बन रही है हमारे वीडियो पे। आइए चलिए देखते हैं। दोस्तों, ये हमारे जो प्लाई में सनमाइका के लगाने के बाद जो बीडिंग लगाई जाती है, जिसको बोलते हैं एज बीडिंग, उसको प्रेस करने की मशीन है। देख सकते हैं यहाँ पे एक रोल लगी हुई है, इस रोल को यहाँ बैक साइड से ऐसे लगाते हुए यहाँ तक अंदर तक पुश करते हैं, उसके बाद खुद ब खुद मशीन ऑटोमेटिक अपना काम कर देगी। और ये जो बटन देख रहे हैं आप, ये बटन जैसे पुश होगा यानी प्लाई का हिस्सा जैसे ख़त्म होगा, जैसे आप प्लाई को सरकाएंगे अंदर साइड में, जैसे मान लीजिए ये हमारी प्लाई है, जैसे ये पुश करेंगे तो यहाँ पे ये बीडिंग का जो कट मार्क दिख रहा है, एक ब्लेड लगी है यहाँ पे, ये ब्लेड वो पीछे तरफ चली जाएगी, जैसे कि यहाँ पे दिख रहे हैं। अभी तो मशीन स्टार्ट नहीं है, मशीन स्टार्ट होगा तो मैं आपके लिए एक और वीडियो बनाऊँगा इस पर। जैसे ये आगे तरफ जैसे ख़त्म होती है, वैसे ये ब्लेड पीछे तरफ जा करके आगे तरफ आती है, तो हमारी बीडिंग वहीं से कट जाती है, जिससे हमारा एक साइज के हिसाब से 200 एक्स्ट्रा कट जाता है, फिर बाद में उसको हम फिनिश कर सकते हैं। और ये हमारा गम है, इसमें गम रखी जाती है, देख सकते हैं ये कुछ हीट ज़्यादा है इसके लिए मैं इसको पकड़ने में दिक्कत हो रही है। देखिए इसमें गम होती है जो हीटिंग होती है, और ये हीटिंग होने के बाद में इस रोलर में वो बीडिंग आती है, फिर इसमें एक प्लाई का पीस रहता है, वो चिपक जाता है बिल्कुल इसमें आकर के, फिर एक लकड़ी की मदद से बाद में थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं उसके ऊपर ऐसा, तो बिल्कुल अच्छी चिपक जाती है। ये हमारा कुछ इस तरह से इंडिकेशन है, इसको जब भी मशीन से स्टार्ट करें इसको ऑन कर ले, ऑन कर ले बाद में इसका एक टेम्परेचर होता है 140 तक वेट करें, जब 140 काउंटिंग हो जाए फिर यहाँ से ऑन करें, ऑन करेंगे मशीन स्टार्ट हो जाएगी, फिर बाद में आप मशीन पे बीडिंग प्रेस कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, धन्यवाद।